लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के सानपाड़ा में खेल मैदान में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने आज मोर्चा निकाला और कंस्ट्रक्शन रोकने की मांग की। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आबले ने कहा कि यह खेल मैदान स्थानीय बच्चों के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ ओरिएंटल कॉलेज अपना कब्जा जमाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब नाइट कर्फ्यू में सब कुछ ठप रहता है, तब रात के अंधेरे में यहाँ अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। पांडुरंग आमले ने कहा कि शिकायत के बाद भी मनपा अधिकारी इस पर कार्रवाई को तैयार नहीं है, जो कई सवाल खड़े करता है। नवी मुंबई के सानपाड़ा सेक्टर 2 में स्थित यही वो खेल मैदान है जहाँ चल रहे अवैध निर्माण ने स्थानीय नागरिकों को नाराज कर दिया है। आज बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा निकाला और यहां चल रहे कंस्ट्रक्शन को तत्काल रोकने की मांग की। युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि यह खेल मैदान है, लेकिन ओरिएंटल कॉलेज अपना कब्जा जमाने के लिए यहां बाउंड्री वॉल के साथ ही अवैध निर्माण करवा रहा है। यहां रात में अवैध कंस्ट्रक्शन चलाया जाता है, जिससे हमने तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने मनपा अधिकारियों और वार्ड अधिकारी की नियत पर भी सवाल उठाया और कार्रवाई की मांग की। आलो तो खरोखर जिथे सर्व जागा त्यांनी अतिक्रमण केलेली आहे आणि बऱ्याचशा इनलीगल ॲक्टिव्हिटीज इथे चालू आहे, तर त्याची दाद मागण्यासाठी आम्ही सर्व सोसायटीचे जे चेअरमन सेक्रेटरी आहेत व सभासद आहेत त्यांच्या सह्यांचं एक लेटर घेऊन कमिशनर ऑफिसला शूद मांगसाहेबांना एक लेटर दिलेलं आहे। परत आम्ही त्यांना ठाणेकर साहेबांना वॉर्ड ऑफिसर आहेत त्यांना एक लेटर दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला 7 दिवसात कारवाई करण्यात येईल असं सांगितलं, पण त्यानंतरसुद्धा कुठलीही कारवाई नाही झाली। पण त्यानंतर आम्ही पुन्हा दुसरं एक लेटर दिलेलं त्यांना एक रिमाइंडर करण्यासाठी, पण त्यानंतरसुद्धा कुठलीही कारवाई नाही झाली। आणि काल ते रात्री 2 वाजता मोठ्या मशनरी आलेल्या आहेत आणि त्या मशनरी अचानक काम चालू केलं, तर म्हणून आम्ही पुन्हा बघायला आलो तर खरोखर इथं एवढं मोठं काम चालू आहे आणि त्या कामाला स्थगिती पण दिली जात नाही आहे। ते जे तुम्ही इनलिगल कन्स्ट्रक्शन इथे बघताय, या ओपोजिट टॉवरचे आधार कार्ड या झोपडपट्टीवासियांना दिले कोणी? यांच्याकडे लाईट्स नाही आहे, पाणी नाही आहे, हे सर्व लाईट्स पाणी यांना हे कॉलेज पुरवतं आहे, मग हे कोणाच्या आश्रयातून चाललं आहे? एवढं सर्व हा काळा धंदा इथे चालू आहे, तरी आपली पालिका, त्यानंतर आपले जे वॉर्ड ऑफिस आहे, हे सगळे झोपलेले आहेत, यांना कुठलाही न्याय देत नाही आहे। आणि तो न्याय देण्यासाठी आम्ही आज सर्व रहिवासी आणि आमची सर्व टीम यांच्यासाठी काही करायला तयार आहे। आम्ही हे आंदोलन यापुढेही अजून तीव्र करण्याचा इशारा आम्ही देत आहोत। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी पांडुरंग आमले के साथ खड़े होकर ओरिएंटल कॉलेज की इस मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की। नागरिकों ने कहा कि 10 से 12 सोसाइटियों के बीच यह खेल मैदान स्थित है जहां सैकड़ों स्थानीय बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब इस खेल मैदान पर यहां के प्राइवेट शिक्षण संस्थान ओरिएंटल कॉलेज कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन हम इसे खाली करवा कर रहेंगे। ये प्लेग्राउंड यहाँ के 13 सोसाइटी है उनके लिए स्पेसिफिकली लिया गया है, बट अभी आप देख रहे हैं यहाँ बाकी सब जगह इनक्रोच किया गया है एंड इट इज़ नॉट इवन डेवलप्ड ऑल्सो किया नहीं गया है। मशीनरी 2 दिन पहले रात को जब आप बोलते हैं नाइट कर्फ्यू होता है, उस रात में आके 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये मशीनरी यहाँ चालू थी। आप बोलिए अभी ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे है नाइट कर्फ्यू के टाइम पे, और यहाँ पे इनक्रोचमेंट कैसे हो सकता है ये जगह पे? अपने प्लेग्राउंड की एक्टिविटी नहीं दिखती है, कोई बिल्डिंग बनने की पूरी इक्विपमेंट दिख रहे हैं, तो फिर ये तो पूरा हड़पने का ही हुआ है ना। प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर 2 का ग्राउंड होते हुए भी सेक्टर 2 के बच्चों को उस तरफ जाने से रोका जाता है, लेकिन कॉलेज के बच्चे पूरे टाइम यहाँ पे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, और नॉट ओनली दैट उनकी ऑल एनुअल एक्टिविटीज ग्राउंड में होती है, उनका एनुअल फंक्शन इसी ग्राउंड पे होता है। एनक्रोचमेंट झोपड़े बना के 2003 से ये झोपड़े बने हुए हैं जो हटाए नहीं जा रहे, जो यहाँ पे सेक्टर 2 के बच्चों को खेलने में बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन रात को 3 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक सारे सोसाइटी यहाँ पे जो 13 सोसाइटीज है सेक्टर 2 की, उनको जगा के ये काम करने में उनको डिस्टर्बेंस नहीं, तो हमें हमारा डिस्टर्बेंस नहीं दिखता उनको। ये पूरी सोसाइटी पूरी रात डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ देयर इलीगल दिस हैवी मशीनरी जो यहाँ पे अनलोड की। उनने बड़े बड़े टैंकर्स और ट्रेलर आए थे जो उसको लेके जाते हैं, कंटेनर्स को लेके जाते हैं, उस पर यहाँ पे इनकी पिलर मेकिंग मशीन आई है। जो मशीन आई है वो ये शो करती है कि यहाँ पे 10 माले का टावर तक बना सकते हैं वो, जबकि प्ले ग्राउंड में दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। तो प्ले ग्राउंड में ये जो काम कर रहे हैं उसका कहाँ पे क्या प्रूफ है, किसने परमिशन दिया, वो सारा कुछ दिखाएं।
कंस्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी मध्यरात्री लॉकडाऊन असताना चालू होतात, याचा अर्थ इथे काहीतरी संशयास्पद चालू आहे असं दिसून येतं आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेला ह्या जे अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन आहे या संदर्भात मी वारंवार निवेदन दिलेलं आहे, पण अनधिकृत कन्स्ट्रक्शन त्यांनी अजूनही तोडल्या गेलेलं नाही आहे. तर ही गोष्ट अत्यंत आमच्या म्हणजे ह्या सेक्टर 2 साठी घातक आहे, आमच्या मुलांसाठी घातक आहे. ह्या मुलांसाठी हे ग्राउंड आम्हाला उपलब्ध होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि यांचा हेतू बेसिकली जे कोर्टात ठाणा कोर्टामध्ये ह्या ग्राउंडच्या संदर्भात केस झाल्यानंतर ओरिएंटल कॉलेजचे मालक हे केस हारलेले आहे, पुढची केस उच्च न्यायालयात चालू आहे. तर या संदर्भात महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन या संदर्भात ताबडतोब निर्णय घेणे आवश्यक असून हे कन्स्ट्रक्शन जे चालू आहे ते ताबडतोब बंद करणं गरजेचं आहे. साठी अगोदरही आंदोलन छेडलं होतं या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी. ही गोष्ट कोर्टात आहे, कोर्टामध्ये ओरिएंटल कॉलेज ठाणा कोर्टामध्ये ही केस हारलेला असून ही कोर्ट उच्च न्यायालयात आहे, पण त्याच्यातर्फे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनतर्फे कोणत्याही प्रकारचं पॉझिटिव्ह पाय किंवा पाऊल उचलले गेलेले नाहीत. तर हे जे काही सेक्टर 2 ग्राउंड आहे हे सेक्टर 2 रहिवाशांसाठी, त्यांच्या मुलांसाठी, वयस्कर नागरिकांसाठी खुलं करण्यात यावं. आणि ही जी काही इनलिगल ऍक्टिव्हिटी यांनी चालवलेली आहे, इस सवैध निर्माण को लेकर जब टीवी1 इंडिया ने ओरिएंटल कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा तो उनकी ओर से कहा गया कि वहां कुछ भी अवैध निर्माण नहीं हो रहा है. कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट ने कहा कि जहां निर्माण चल रहा है वह जमीन ओरिएंटल कॉलेज की है, जिसके लिए महानगर पालिका से सीसी भी मिली हुई है, इसलिए उस पर अवैध निर्माण का आरोप लगाना गलत है. हम लोग को ग्राउंड से कुछ नहीं है, जो हम काम करना चाहते हैं वो हमारा खुद का स्कूल का प्लॉट है जो सिडको से हमारे को अलॉटमेंट हुआ है और हमारे पास सीसी है उसका. NMMC से कोई केस नहीं, हमारा सिडको से केस है गार्डन का. गार्डन का हमने पेमेंट भरा हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ नहीं, सिडको ने बाय मिस्टेक NMMC को हैंड ओवर कर दिया है. वो तो कोई तथ्य नहीं है इसमें, बिकॉज ऑलरेडी हमको NMC से यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है और अप्रूवल के हिसाब से ही हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ऑलरेडी हमारा यहाँ पर G+2 का OC भी आ चुका है और अभी जो हमारा पार्ट कंस्ट्रक्शन का काम था उसी का एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर चालू कर रहे थे. बेसिकली ये जो मुद्दा है ग्राउंड और ये प्लॉट का, अभी ये एक लेवल पर फिलिंग होने की वजह से सबको लग रहा है ये ग्राउंड का ही पार्ट है, बट एक्चुअली अगर सिडको का डिमार्केशन या सर्वे मैप देखा जाए तो वहाँ उसके हिसाब से हमारा प्लॉट का लाइन और एक ग्राउंड का लाइन 2 सेपरेट लाइन है. तो जो प्लॉट लाइन वहाँ से हमारा डिवाइड होता है और ये जो भी हमारा हट्स वगैरह बना है विद इन द हमारे प्लॉट है. आप चाहिए तो सिडको का जो भी परमिशंस है वो देख सकते हो आप कि हमारा कैसा अप्रूव प्लान हुआ है, कहाँ पर हमारा प्लॉट लाइन है और क्या किस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.